वेलकम स्टूडेंट्स, राइटिंग पार्ट के ट्रिक वाले वीडियोज के आज के वीडियो में आपका फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए अ विजिट टू अ बुक फेयर का पैराग्राफ, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, एसे, शॉर्ट पैराग्राफ, जो भी लिखना हो सबका शानदार आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। और वही ट्रिक जिसमें याद कुछ नहीं करना, जितना आपको याद है बस उतना लिखना है और उसी में आप फुल मार्क्स लेकर आएंगे। स्टार्टिंग वैसे ही करते हैं जैसे हमने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया है। सबसे पहले आपने लिख दिया वही लास्ट संडे आई विजिटेड, और जो आपको पेपर में ये तो लिख के देगा, ये क्वेश्चन तो देगा कि आप इस पर लिखिए, बस यही चीज आपको इसमें लिखनी है। लास्ट संडे आई विजिटेड, विजिट लिया बुक फेयर, आप चाहो तो स्थान लिख दो, और नहीं इतना भी लिखना नहीं आता तो ये लिख दो, या फिर चाहो तो आप जिस शहर में गांव में रहते हो वहां पर एट इन लगाकर उसका नाम लिख दो, शहर का नाम लिख दो, फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है। ये मैं हर में बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना, ये आप यहाँ से ये लिखिए, आपके क्वेश्चन आएगा वही लिखना है। लास्ट संडे आई, आपको बस तीन शब्द लिखने हैं जो आप लिखते हैं। अब मेले में जाओगे, कहीं भी एग्जीबिशन में जाओगे, कहीं भी जाओगे, वहां पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वहां बहुत भीड़ थी, ये जरूर बताना है। और इसका बहुत ही सिंपल आप सेंटेंस लिख सकते हैं, देयर वॉज, या तो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग थे, ये तो सबको आ जाएगा, देयर वॉज मेनी पीपल, ये हर स्टूडेंट लिख देगा। बहुत भीड़ थी, भीड़ की नहीं आती, अगर भीड़ की लिखना है थोड़ा और होशियार बच्चे हैं तो वो लिख सकते हैं, देयर वॉज अ लॉट ऑफ क्राउड, वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, देयर वॉज अ लॉट ऑफ क्राउड, ये लिख सकते हैं, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं चूंकि ये वीडियो एक बिल्कुल डाउन बच्चा है, बिल्कुल नीचे वाला बच्चा है, उस हिसाब से बता रहा हूं ताकि वो भी लिख दे, थोड़े इंटेलिजेंट है, थोड़े होशियार है तो वो लिख दे वहां पर, देयर वॉज अ लॉट ऑफ क्राउड, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो साफ हो गया, लेकिन इतना सा ही नहीं लिखना, हमें तो काफ़ी बड़ा लिखना है। कोई कहेगा हमें तो 100 वर्ड्स में लिखना है, कोई कहेगा 80 वर्ड्स, 60 वर्ड्स, कोई कहेगा इससे भी ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात आपको पता है वही बताऊंगा, अलग से कुछ भी नहीं बताऊंगा, जो आप जानते हैं। चलो, हर स्टूडेंट जानता है आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स के जो 11th 12th में हैं उनके 3 ऑप्शनल और 2 कंपल्सरी, 6 to 10 तक क्या है आपके 6 सब्जेक्ट चलते हैं, वो तो सबको पता है, सबकी बुक से इतना तो पता होगा कि मेरे हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, इतना जानते हो तो फिर ये सबकी बुक है तो सबकी सब सब्जेक्ट के नाम लिखेंगे, वही हो गया काम, वही अपना देयर वर, जो हमने पहले वाले में देखा था और वीडियोज में वही चीज, देयर वर, वही आ गया देयर वर, ठीक है। ये हमने लिखा देयर वर, यहाँ पर ये देयर वर लिख दिया हमने, ये देयर वर, ठीक है। अब बिल्कुल कमजोर बच्चा है जिसको ये भी नहीं पता कि प्रेपोजिशन का यूज कैसे करना है, वो इतना तो लिख देगा, देयर वर हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट बुक्स, अब बुक की तो सबको पता है, ये भी नहीं पता है तो ये लिख रही है यहाँ पर, हिंदी तो आपके बुक ही चल रही है, हिंदी सब्जेक्ट आप लिखते हैं, जो आप आगे नेम का लगाते हैं, नेम सब्जेक्ट वहाँ लिखते हैं, कितना सिंपल है, देयर वर हिंदी सब्जेक्ट बुक्स लिख दिया। फिर आपके कौन सा सब्जेक्ट चलता है, और देयर वर इंग्लिश चलता है, आपने लिख दिया देयर वर इंग्लिश सब्जेक्ट बुक्स, इंग्लिश सब्जेक्ट बुक्स। अब मैथ सब्जेक्ट बुक्स, सोशल साइंस सब्जेक्ट बुक, संस्कृत, जो आपके जितने हैं, ठीक है। अब कोई चाहे कि सर हमें और बढ़िया लिखना है तो और बढ़िया लिख दीजिए, ये जो अभी मैंने लिखा देयर वर इंग्लिश सब्जेक्ट बुक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, देयर वर बुक्स ऑन, बस ये देयर वर बुक्स ऑन हिंदी सब्जेक्ट, देयर वर बुक्स ऑन हिंदी सब्जेक्ट, ये लिख दिया, ये थोड़ा और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, देयर वर बुक्स ऑन हिंदी सब्जेक्ट। लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं वो भूल जाएंगे, मैं ऑन इन एट ध्यान नहीं रहेगा, वो ऐसे लिख दे, क्योंकि मैंने बार बार कहता हूँ कुछ भी नहीं लिखकर आने से बहुत अच्छा है, कुछ लिखकर आना
गलत तो काटेगा तो नहीं कि यार लिखा हुआ तो है, ये कम जानता है लेकिन लिखा हुआ है, बात तो भी बुक फेयर की है, कोई और तो लिखा नहीं है, देर और बुक्स इंग्लिश सब्जेक्ट। ऐसे मान लीजिए आपके फिजिक्स है तो आपने लिख दिया देर वर बुक्स ऑन फिजिक्स लिख दिया, या फिर मैंने एक और तरीका बताया देर वर फिजिक्स बुक्स, ठीक है ये आपने ऐसे लिख दिया। अब फिर वही चीज आ जाओ, वी सा हमने देखा, क्या देखा, क्या देखा आपने, वी सा, और जो आपने देखा वहां पर कई सारी शॉप्स है तो आपने लिख दिया वी सा मेनी शॉप्स, कई सारी शॉप्स देखी, मेनी शॉप्स लिख दिया आपने, वी सा मेनी शॉप्स, किसकी, किसकी देखी साहब, यहाँ पे क्या मिलेगा, बुक्स, बुक्स की, देर और मेनी शॉप्स ऑफ बुक्स, कई सारी किताबों की दुकानें थी लिख दिया। और इसके अलावा अब आप थोड़ा बहुत हिंदू, इसके अलावा मुस्लिम, जो आप चार धर्म जानते हैं उनके बारे में लिख दीजिए, और सिंपल बन जाएगा। देर देर वर वापस वही देर वर बुक्स, बुक्स किसके ऊपर थी, ऑन हिंदू, हिंदू सब जानते हैं, जो हिंदू है वो जानता ही है देर वर, ये मैं हर चीज में बता रहा हूँ, बुक का है तो बुक्स का लिख ही रहे हैं, देर वर बुक्स ऑन हिंदू। और यहाँ पर लिख दीजिए कल्चर, हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति की पुस्तकें थी, देर वर बुक्स ऑन मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम कल्चर पर भी थी, मुस्लिम संस्कृति के ऊपर भी थी, ऐसे करके आप सिख और जैन और क्रिश्चियन ऐसे लिख दीजिए, चार पांच छः तो रिलीजन हो गए, ऑन हिंदू रिलीजन भी लिख सकते हैं। और आपके जो भी सब्जेक्ट में फिजिक्स ही नहीं लिखना, आपको और भी लिखना है, आपकी इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स पढ़ती, ज्योग्राफी पे जितने भी आ जाए, बायोलॉजी पढ़ती, बॉटनी पढ़ती, पॉलिटिकल साइंस, आपको कुल मिलाकर आपको यहाँ लिख देता हूँ जो आपके सब्जेक्ट्स याद आ जाए, जितने भी सब्जेक्ट्स याद आ जाए, याद आ जाए उन्हें लिख दें, कैसे लिखेंगे, देर वॉज देर वर आई सा और ऐसे करके, और आप जितनी वर्ड लिमिट है बताओ, आप ही रुकेंगे, आपका पेन नहीं रुकेगा, आप ही रुकेंगे, क्योंकि आपके पास इतना अतः अनकाउंटेबल मैंने मैटर दे दिया, क्योंकि करना क्या है, देर वर आई सा वी सा, और फिर लास्ट में वही चीज लिख देना, वी एंजॉयड इट वेरी मच, हमने इसका बहुत आनंद उठाया, बस आपका काम फिनिश। और ये आपका ये हो गया राइट, गलत तो हो ही नहीं सकता, उसकी मर्जी है नंबर कितने देता है, मार्क्स कितने देता है, लेकिन आप लिखकर आ गए, मैंने बताया जो और बढ़िया करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं, देर वर बुक्स ऑन हिंदी सब्जेक्ट से ऑन लगा के, और देर वॉज अ लॉट ऑफ क्राउड, और लास्ट में वी एंजॉयड इट वेरी मच, हो गया काम, ठीक है। और आप चाहे और बढ़िया कि नहीं हमें तो पूरा नंबर कटना नहीं चाहिए, तो वी गोट अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ नॉलेज, हमें इससे बहुत सारी नॉलेज मिली, जानकारी मिली, वी गोट अ लॉट ऑफ नॉलेज, कई सारी नॉलेज मिली। और चाहो तो एक और वर्ड होता है एंड इन्फॉर्मेशन, और सूचना भी मिली, ये आपने लिख दिया इन्फॉर्मेशन। अब पुस्तक मेले में गए कि साहब एक आध एक दो लाइन और लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने कुछ चीज़ खरीद भी ली होगी, तो खरीदना को सब बाय जानते हैं, बी यू वाई, बाय की सेकंड फॉर्म बोट होती है, वी बोट, सम सब जानते हैं, सम बुक्स, हमने कुछ पुस्तकें भी खरीदी, फिर लास्ट में लिख देना वी एंजॉयड इट वेरी, वो लास्ट की लाइन है, ये और जोड़ दिया आपने, हमसे हमें इसे यहाँ डी लगाएंगे, वी लॉट ऑफ नॉलेज, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी, ठीक है ये स्पेलिंग सही होगी, एंड इन्फॉर्मेशन वी बोट सम बुक्स, और फिर लास्ट में लिख देना। कुल मिलाकर आप देख लीजिए कि ये लास्ट संडे वाली लाइन है, और बाकी वो देर वॉज देर
देर वर वीसा और आपका काम हो गया, है ना शानदार। यानी राइटिंग का हर पैराग्राफ, हर रिपोर्ट, हर ऐसे में आपको कंप्लीट करवाऊंगा, लेटर राइटिंग हर चीज शानदार, इसके मार्क्स पक्के आएंगे और रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।